हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, आज सोमवार है, सोमवार को मेरा फास्ट होता है। तो मैं यहाँ पर गुरु गोरखनाथ जी के मंदिर में आई हूँ, मतलब यहाँ शिव जी का मंदिर भी है। मैं यहाँ जल चढ़ाने के लिए आई हूँ। यहाँ लंच हो गया शायद बच्चों का। आ जा भाई, मोड़ ले ना, 10 मिनट पूरा कर। फिर हम 10 माइनस कर सकते हैं। बहुत जबरदस्त हो रही है। अरे आप बैठ जाओ। फ्रेंड्स अब मंदिर से आ गई हूँ। यहाँ मेरी चाय हो रही है और यहाँ देखो, यहाँ थोड़ा देसी घी डालकर मखाने फ्राई कर रही हूँ। चाय में मैं डालूंगी शक्कर की चाय पीऊंगी आज। तो फ्रेंड्स देखो, ये हमारी चाय अब उबल गई है। तो अब उबलने के बाद इसमें डाल दो आप ये शक्कर। बस अब थोड़ी देर खदकने दो तो हमारी चाय तैयार है। हमारे मखाने भी हो गए। तो फ्रेंड्स आज इतनी गर्मी है ना, इतनी गर्मी, मतलब अब मैं चाय बना के लाई ना,
इतने मतलब पूरी पसीनों में तरम तर्रा हो गई, मतलब नहाने का भी कुछ फायदा नहीं है, नहाने के बाद भी इतने पसीने आ जाते हैं। आज तो बल्कि कुछ ज़्यादा ही गर्मी आज, पता नहीं क्यों। तो चलो कोई नहीं, अब मैं पसीने सुखा रही हूँ, आराम से चाय पी रही हूँ, फिर जाके मम्मी के लिए खाना बनाऊँगी। और बस फिर इतने बच्चे भी आ जाएंगे 2:30 बजे तक, पर अभी फ़िलहाल तो 12 भी नहीं बजे, इतना पसीना आ रहा है आज तो। चलो फ्रेंड्स मैं चाय पीती हूँ, फिर आप आलू के पराठे थे। अब शाम को हमारे घर में बन रही है पालक की सब्जी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पालक को उबाल लिया है, और देखिए प्याज भी कट कर ली है, टमाटर भी पीस लिए हैं, और अब ये सब्जी कैसे बनेगी वो आपको बतानी जाएगी मम्मी। अभी मम्मी बाहर गई है, तो मम्मी ने बोला था कि ये सामान सब रेडी करके रखना, तो मैं रेडी कर चुकी हूँ। आटा भी मैंने गूंद लिया है, क्योंकि इस टाइम तक मैं सब्जी बना लेती हूँ। तो अब फिलहाल अब मम्मी आएगी, वो ही बताएगी कि सब्जी कैसे बनती है, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि ये सब्जी कैसे बनती है। आप भी ज़रूर एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो फ्रेंड्स अभी हमने तेल में, सरसों के तेल में प्याज डाल दी है, और ये देखिए ये हमने जो पालक अभी उबाला था ना वो पीस दिया है, ये हमारे टमाटर, कस्तूरी मेथी, नमक, धनिया पाउडर और बेसन भी डलेगा अभी तो। एक दिन की छुट्टी है डायरी में, तो एक दिन की छुट्टी दे रखी है। 30 की 32 की 30 की लाइट जल्दी है, लाइट जल्दी वीडियो बन रही है। इसमें डाल दिया लहसुन अदरक हरी मिर्च का पेस्ट, इसे हल्का ब्राउन होने के बाद टमाटर डाल दो, बेसन ले लिया और इसमें पानी डाल दिया, खा दी। बेसन कितनी चम्मच लिया, दो दो लड़के, वो रिमोट दे मुझे, रिमोट दो बेटा, रियांश रिमोट दे, दो बेटा, बस खेल लो। क्या हो गया? तो इसमें बेसन डाल दिया, पानी डाल दिया, और कौन सा सारा बेसन, हाँ सारा उबाल दिया था, थोड़ा सा ही तो था वो। अभी कितनी देर उबालना है,
कितनी देर? आधा घंटा क्या नाम है इसका? ये देखिए पालक की सब्जी बन चुकी है, अब मैं रोटी बना रही हूँ। ये देख बस अब सबको रोटी सर्व कर दूँ। तो फ्रेंड्स अब रात हो गई है और रात को मेरा मतलब किचन का सारा काम हो गया। और देखो मैंने कल सुबह के लिए भिंडी भी काट ली है और बस अब भिंडी काट ली और कल सुबह मुझे कहीं जाना है, इस वजह से मैं बच्चों का और पापा का इकट्ठा ही लंच बना दूंगी, मतलब भिंडी की सब्जी, वरना बच्चे कुछ अलग ले जाते हैं पापा अलग ले जाते हैं। तो इसीलिए कल मैंने सोचा, कल जाना भी है कल, तो इस वजह से मैं पहले ही आज मैं मतलब एक ही बारी में मैं भिंडी की सब्जी बना दूंगी और फिर उससे टाइम भी बचेगा, इससे उससे मैं फिर कोई दूसरा काम भी इतनी जल्दी फटाफट निपटा दूंगी। और बस आज की मेरी ब्लॉगिंग यहीं तक थी और आपको मेरे ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।